ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। दक्षिणी नगर निगम में सदन से स्थायी समिति के खाली पड़े 3 सदस्यों के चुनाव में मतदान से फैसला हुआ, जिसमें बीजेपी की पूनम भाटी 36 मत और कमलजीत सहरावत 31 वोट लेकर आसानी से जीत गई। पेश है वन न्यूज़ की खास रिपोर्ट। I hereby declare the election of 3 members of the Standing Committee South DMC 2018. Poonam Bhati, elected. Kamaljeet Sehrawat, elected. Narendra Kumar, elected. मैं आप सभी को इस बार की बधाई दे रहा हूं। जो तीनों मेंबर्स चुने गए हैं, आशा है कि वो इस एसडीएमसी के भविष्य के लिए, अच्छे काम के लिए याद किए जाएंगे। धन्यवाद। आज सभी पार्षदों को भी बहुत बहुत बधाई। आज आपको चुने गए हुए, पूरा 1 वर्ष हो गया है। साउथ दिल्ली एमसीडी ने बहुत से नए आयाम, नई ऊंचाइयों को छुआ है। आप सब के सहयोग के सबके माध्यम से जो हम सभी काम हमारी मेयर के नेतृत्व में कर पाए, जो हम करना चाहते थे, पहले साल जितने प्रयासों से हो सकता था हम सब ने प्रयास करके एमसीडी को आगे बढ़ाया है। आगे भी हम यही आशा करते हैं कि अगले वर्ष इसी प्रकार से जब 1 साल और हो जाएगा तो हम दुगनी मात्रा से अपने आप के लिए मेजे थपथपा सकेंगे। 2-3 प्रस्ताव मैं एजेंडा के पहले रखना चाहती हूँ। मॉनिटरिंग कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित की गई है, पिछले दिनों हमने देखा है कि कुछ ऐसे भी ऑर्डर्स उस कमेटी द्वारा पास किए गए जो सदन के हिसाब से वो सदन के एक्ट, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक्ट के बियॉन्ड जाते हैं, उसके पार चले जाते हैं। सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि चूंकि एमसीडी अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती है, कोई भी अवैध निर्माण या किसी भी इलीगल बिल्डिंग या इंक्रोचमेंट पर अपना एक्शन करती है, लेकिन उसके बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई मॉनिटरिंग कमेटी बनाई तो उसका मैंडेट केवल मॉनिटर करने का है। और इसके साथ साथ जो एक दिक्कत हमारे व्यापारी भाइयों को आ रही है कि जहां पर भी डी सील का प्रावधान बनता है, मॉनिटरिंग कमेटी अपना एफिडेविट फाइल कराती है और 1 लाख रुपए की देश राशि सुप्रीम कोर्ट ने रखी है, जबकि ओरिजिनल एक्ट के प्रावधान में जो एफिडेविट है, जो एमसीडी द्वारा मान्यता प्राप्त एफिडेविट है, प्लस ऐसी कोई भी राशि एक्ट या कॉरपोरेशन ने नहीं लगाई है किसी भी व्यक्ति के ऊपर जिसकी प्रॉपर्टी किसी भी कारण से सील हुई है और उसको डी सील होना है।
इन विषयों को लेकर के सदन का ये प्रस्ताव है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखें और जितना अतिक्रमण कमेटी जो मॉनिटरिंग कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की उसने हमारे एक्ट और कॉरपोरेशन के अधिकारों के ऊपर किया है उसके विरोध में हम सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखें और अपने अधिकार को वापस लें। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन न्यूज़।